नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बोट नेक का ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना करके दिखाने वाले हैं। ये हमने एंकर के धागों के साथ में और बटनों के साथ में लूप्स के साथ में तैयार किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और कैसे स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों, जो आपने डिजाइन देखा है उससे बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्रंट लिया है और फ्रंट में उल्टी साइड में हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है पेपर पेस्टिंग की, इस तरीके से देखेंगे तकरीबन हमारी 10 इंच की आएगी और ऐसे देखेंगे तो ये हमारी 12 इंच की आएगी। ये हमने अब यहाँ पे कटिंग करनी है नेक लाइन की। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे नेक लाइन कटिंग करेंगे। जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे बोट नेक की बनाएंगे तो हम यहाँ पे 4.5 इंच तक तैयार रखेंगे ऐसे, और जो डीप नेक रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे। यहाँ पे इस तरीके की हम शेप देते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने बोट नेक यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब हमें ऊपर से देखना है कितना कट रखना है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट को बिछाएंगे और यहां से इस तरीके से हम देखेंगे तो 4 इंच तक यहाँ पे हम कट रखेंगे। आप कम ज्यादा इसको कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक इस तरीके का सेंटर में कट देंगे और यहां से इस तरीके से हल्का सा कट लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कट लगा दिया है। अब हमें करनी है यहाँ पे डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ पे सेम कपड़ा ये वाला लेंगे, इसकी और ये वाली पट्टी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये तो लिया है हमने सेम कपड़ा और ये लिया है हमने पाइपिंग का कपड़ा, तो इसमें से हम और एक पट्टी कटिंग करेंगे। और एक पट्टी कटिंग करने से पहले हमने इसके ऊपर यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर ली है। अब इसको और एक बनाएंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए ट्रायंगल शेप में। और यहाँ पे जो चौड़ाई कटिंग करनी है हमें पट्टी की, वो करनी है 2 इंच की। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे इन्हीं निशानों पे एक दूसरे से मिलाएंगे ऐसे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बीच में से कटिंग करेंगे। तो जो ये हमारी 2 पट्टी हैं, हमें चाहिए 3, तो एक पट्टी हम और इसमें से कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 3 पट्टियां कटिंग कर ली हैं 2-2 इंच की। अब मैं यहाँ पे आपको एक पट्टी की गोलाई बताऊंगा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे बीच से। ये हमने फोल्ड कर ली है यहाँ पे। अब हमें इसकी गोलाई देनी है। गोलाई हमारी यहाँ पे जैसे ये राउंड है इस तरीके की यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहां से हम इसको इस तरीके से ऐसे गोलाई में देंगे ऐसे। ये हल्की हल्की प्रेस से गोलाई करनी है हमें। पेपर पेस्टिंग है वो फिनिशिंग के लिए है हमने जो लगाई हुई है, लेकिन गोलाई देने के लिए हल्का सा हमें एक साइड ये वाली खींचनी होती है हल्की सी, और दूसरी साइड में यहाँ पे नमे आ जाएंगी। यहाँ पे हमें इसी शेप के लिए ये तैयार करनी है। जहां पे भी आपको बिल्कुल सही रहे तो थोड़ी सी हमें और गोलाई देनी है और यहाँ पे ये बिल्कुल सही शेप में आ जाएगी। पट्टी की जैसे लंबाई अगर ज्यादा लगती हो तो हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। हाफ में ही हमें यहाँ पे ये लगानी है, जो हाफ हिस्सा होगा यहाँ पे ही हमें ये अटैच करनी है इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे राउंड में बना ली है। अब हम एक पट्टी यहाँ पे और बनाएंगे और तीसरी पट्टी फिर से बनाएंगे। तो ये भी मैं इसी तरीके की गोलाई यहाँ पे देते हुए कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दी है ऐसे ही हम इनकी दे लेते हैं। दूसरी पट्टी को भी हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे ऐसे, और पहले फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल सीधी। इसके बाद हमें यहाँ पे इसको गीला करना होता है, ऐसे गीला कर लेंगे हल्का हल्का सा। और गीला करने के बाद अब हमें इसमें शेप देनी है, तो हम अच्छे से इसमें शेप दे पाएंगे यहाँ पे ऐसे गोलाई में।
जिस शेप में भी आप यहाँ पे चाहते हो, हल्की कम या ज्यादा, उसी शेप में इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम, चेक करेंगे, तो ये देखिए बिल्कुल इसके साथ में आ चुकी है। इसी तरीके से मैंने एक पट्टी यहाँ पे ये वाली भी कर ली है, तो एक हमारी यहाँ पे आएगी, तीसरी हमारी यहाँ पे आएगी ऐसे, और इनके ऊपर करना है हमें एंकर के धागे का काम गोलाई में। तो एंकर के धागे का काम कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले इनको कटिंग कर लेते हैं जिस एंगल में हमें यहाँ पे ये अटैच करनी है ऐसे, और यहाँ पे ऊपर की साइड निशान लगा लेंगे ऐसे, जिससे कि हमें पता रहेगा कि कौन सी पट्टी हमारी ऊपर की साइड है। ये ना हो कि हमारा एंगल चेंज हो जाए और फिर हमारी डिजाइनिंग अच्छी ना लगे। तो ये है एंकर के धागे का काम करना है, जो हमें ये एंकर का धागा है। तो अब हम इनके ऊपर एंकर के धागे का काम कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एंकर का धागा है ये हमने बॉबिन में डाल लिया है फिरकी में, और यहाँ पे हम एक साइड में हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखना है सीधी साइड कौन सी है, जैसे ये सीधी है तो हम इस साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके का हमारा यहाँ पे काम आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। तो ऐसे ही हम सभी पट्टियों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे डबल डबल सिलाई लगा ली है एंकर के धागे की। अब हमें यहाँ पे निकालनी है इस साइड में पाइपिंग। दो जो बड़े वाली पट्टी है इनमें निकालेंगे, जो ये वाली पट्टी है इसमें नहीं निकालेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए हमने यहाँ पे ओरेब की ये पट्टी ली हुई है, जो कि हमें इस साइड में पाइपिंग निकालनी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दो जो बड़ी पट्टी हैं इन पे पाइपिंग निकाली है, और जो ये छोटे वाली है इस पे हमें बाद में निकालनी है जब हम फ्रंट में अटैच करेंगे। तो ये है हमारे पास फ्रंट। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, छोटे वाली पट्टी हमें यहाँ पे ऐसे रखनी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे अटैच कर देनी है। जितना हम पाइपिंग में लेते हैं मार्जिन, बस उतना ही लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे, इसके बाद ये नीचे वाली ये पट्टी रखनी है यहाँ पे ऐसे, फिर तीसरी रखनी है ऐसे, ये भी हम सिलाई से यहाँ पे अटैच करेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे तीनों पट्टी लगा ली हैं और ये इस साइड से ऐसे रहेंगी इस तरीके से तीनों की तीनों यहाँ पे। इसमें हमें बाद में अभी पाइपिंग लगानी है, जब नेक लाइन में लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कट है इसमें पाइपिंग लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने और एक पट्टी नहीं लेनी है, सीधी पट्टी लेनी है और यहाँ पे हम चौड़ी पाइपिंग निकालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पाइपिंग निकाल ली है। पाइपिंग निकालने के बाद नीचे की जो साइड होगी ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर दी है, इस तरीके से प्रेस से फोल्ड कर ली है। तो यहाँ पे पूरी फिनिशिंग आ जाएगी हमारी और यहाँ पे हमने टांकी बांध ली है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है लुपियां, इस साइड में हम लुपियां लगाएंगे। तो ये हमने कुछ लुपी बनाई हुई है, यहाँ पे एक एक करके हम एक साइड में यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। ये डोरी बनाई है, डोरी बनाने के बाद हमने यहाँ पे इनको ऐसे फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हमें नीचे की साइड ऐसे ये रखना है, ऊपर से हमें पाइपिंग लगानी है तो हल्का सा यहाँ पे गैप छोड़ देंगे और पाइपिंग वाली सिलाई पे ही यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। बराबर बराबर गैप रखेंगे और इस तरीके से नीचे की साइड दबाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने पांच लुपियां लगा ली हैं और हमने यहाँ पे पांच बटन लिए हैं जो कि हमें ऊपर की साइड लगाने हैं, और एक हमने यहाँ पे पाइपिंग ली है, पाइपिंग पट्टी ओरे वाली ही, ये पट्टी भी हमें यहाँ पे लगानी है। जैसे हमारी यहाँ पे पाइपिंग आती है तो ऐसे ही यहाँ पे नेक लाइन में आ जाएंगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इस साइड भी पाइपिंग कंप्लीट कर ली है और जो हमने लूप्स लगाई थे लुपियां उनके ऊपर हमने यहाँ पे बटन लगाए हैं। प्लेन कुर्ती में हमने एंकर के धागे से और पाइपिंग के साथ में बहुत ही प्यारी सी डिजाइनिंग करके आपको दिखाई है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल नेक लग रहा है। और यहाँ पे हमने बोट नेक बनाया है और एक साइड वाला नेक लाइन हमने बनाई है जो कि गर्लिश स्टाइल वाली होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।